राधे राधे, आपका स्वागत है मेरे चैनल यस क्राफ्ट वर्ल्ड पर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को पूरा देखिए। आज मैं आपको सूट की कटिंग सिखाऊंगी। ये सूट की कटिंग करेंगे हम। इसमें मैंने ये इसका एक हिस्सा अलग कर लिया। अब इस पर हम निशान लगाएंगे। सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया और अब हम कटिंग का निशान लगाएंगे जुड़ी हुई साइड से। अब लेंगे हम इसकी लंबाई। लंबाई हमारी है 44 इंच। तैयार। उसके लिए मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि मेरे को ये नीचे से फोल्ड नहीं करना है। इसमें वर्क है। अगर आपका इसमें वर्क नहीं है, नीचे से फोल्ड करना है, तो हम लंबाई में 4 इंच प्लस करते हैं। इसमें ये मैंने लिया है तीरे का आधा लेंथ और यहाँ पे हम ये हमारा आ गया 1.75 इंच और यहाँ पे मुड़े हम तीरे के बराबर भी ले सकते हैं या फिर आप छाती का चौथा हिस्सा -3 इंच ऐसे करके भी ले सकते हैं। तो ये हमारा आ गया 7 इंच। यहाँ से हम 1/2 इंच तीरे को गिरा देंगे। इसको ऐसे मिलाएंगे। अब हमें छाती का निशान, ये छाती का निशान हमने लगाया था यहाँ पे, छाती का चौथा हिस्सा प्लस में 2 इंच। तो ये हमारा आ गया छाती का चौथा हिस्सा हमारा आ गया 10, क्योंकि हमारी छाती है 40 इंच। इसमें 2 इंच प्लस करें तो हमने ये आ गया हमारा 12 इंच। अब हम लगाएंगे कमर का निशान जो मैंने लगाया 14 इंच पे। ये मैंने ऊपर से लिया है। आप चाहे तो इसको यहाँ से भी 7 इंच पे लगा सकते हैं। कमर का निशान लगाने के लिए हमें क्या करना होगा? कमर का निशान लगाने के लिए हम छाती का चौथा हिस्सा प्लस में 1.5 इंच भी ले सकते हैं या फिर हम इसका जो हमारा ये आया है यहाँ पे 12 इंच, इसमें से 1.5 इंच कम करके भी लगा सकते हैं। अब लगाएंगे हम हिप का निशान जो कि मैंने यहाँ ऊपर जहाँ पे हमने तीरे का निशान लगाया वहाँ से यहाँ पे मैंने लगाया। हमारी हिप 22 इंच पे आई है तो मैंने इसमें 1/2 इंच मार्जिन के लिए रखा है। तो ये हो गया हमारा 22.5 इंच। इसको आप यहाँ जहाँ पे हमारा मुंडे का निशान है, हमने छाती का निशान लगाया, यहाँ से भी नापते हैं तो यहाँ से हमारा ये आ गया 15 इंच पे। आप इसको ऐसे भी ले सकते हो या फिर ऐसे भी ले सकते हो। अब यहाँ पे हम लेंगे हिप का चौथा हिस्सा प्लस में 2 इंच। तो हमारी हिप है 44 इंच, उसका चौथा हिस्सा है 11 इंच, इसमें हमने 2 इंच प्लस कर दिए तो ये हमारा आ गया 13 इंच। और अब लगाएंगे हम घेर का निशान। ये होता है हमारा नीचे की तरफ जो हिस्सा आता है उसको हम घेर बोलते हैं। ये हमारा है 22 इंच है तो उसका हम आधा लेंगे। हम यहाँ पे घेर का आधा लेंगे। दूसरा हिस्सा तो हमारा ये है 11 इंच प्लस में हम लेंगे इसमें 2 इंच, जो कि हम ये 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं हमारा मार्जिन के लिए। इसको हम इस तरफ फोल्ड करेंगे इसके लिए। तो ये हमारा 13 इंच। अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो कटिंग करेंगे ये सीधे वाले हिस्से से नहीं, ऐसे थोड़ा गिरा के इस वाले निशान से हम कटिंग करेंगे ऐसे। यहाँ से ऐसे कट करेंगे। हाथ रख के ऐसे कट कर लेंगे।
कर लिया। इस पे हमें हल्का सा कमर वाले साइड पे टिक करेंगे ऐसे, और एक यहाँ हिप वाले हिस्से पे ऐसे, जिससे कि हमें फिटिंग करने में दिक्कत ना हो। और जब हम आगे वाला हिस्सा काटेंगे तो उसमें हम ये वाली गोलाई करेंगे, कट करेंगे। ये मेरा बैक वाला हिस्सा है तो इसमें मैंने ये कट नहीं किया है। अब आप आगे वाला हिस्सा काटेंगे तो इसमें यहाँ से कट करते हैं।